जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर के रेलवे स्टेशन पर सुधा काउंटर का हुआ उद्घाटन। मधुबनी जिला के जयनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर बुधवार को समस्तीपुर डेयरी के उत्पादन सुधा काउंटर का उद्घाटन मधुबनी जिला प्रभारी विभव प्रकाश सिंह, स्टेशन अधीक्षक रमेश चंद्र दास, सहायक स्टेशन मास्टर मंगल यादव, आरपीएफ सिपाही नवीन कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। जिला प्रभारी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित जयनगर रेलवे स्टेशन पर सुधा काउंटर नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को सही और सुधा कंपनी द्वारा निर्मित खाने योग्य सामान नहीं मिल रहा था। प्लेटफॉर्म पर सुधा काउंटर के शुभारंभ होने से यहां से अन्य शहरों के लिए यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को इस काउंटर का लाभ मिलेगा। जयनगर रेलवे स्टेशन से दर्जनों की संख्या में एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन होता है। रेल यात्रियों को उचित मूल्य और सुधा कंपनी द्वारा निर्मित सामान के उपलब्ध नहीं होने से यत्रतत्र भटकना पड़ता था। इस काउंटर के शुभारंभ होने से इसका लाभ रेल यात्रियों को मिलेगा। सुधा काउंटर पर दूध, दही, लस्सी, सुधा स्पेशल, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कलाकंद, सोमपापुरी, छाछ, घी समेत सुधा कंपनी द्वारा निर्मित सभी तरह के सामान उपलब्ध होगा। प्रोप्राइटर मुकेश कुमार, पंडित अरविंद तिवारी, धर्मेंद्र कुमार यादव, शिव कुमार भंडारी समेत कई लोग उपस्थित थे। मेरा नाम विभव प्रकाश सिंह है और मैं बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन पटना, हिंदी में बिहार राज्य दुग्ध महासंघ पटना से संबंध मिथिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड समस्तीपुर की इकाई दो सीतक केंद्र मधुबनी सुधा जिले का मैं प्रभारी पदाधिकारी हूं। और आज 20/3/2024 को मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन पे सुधा का रिकंस्ट्रक्टेड पार्लर को उद्घाटन किया गया। और इस पार्लर से प्लेटफॉर्म पे सुधा का दूध और दूध पदार्थ उपलब्ध होने से व्यापारिक तो लाभ संस्था को है ही है, साथ साथ यात्रियों को जो है जो खुले का सामान लेते हैं या मक्खियाँ बैठती हैं वगैरह वगैरह रहते हैं, परेशानियाँ होती हैं खाने से, कुछ पेट या ये सब प्रॉब्लम आता है ट्रेन में, कभी पेट दर्द हुआ या कुछ उल्टा सीधा हुआ, तो अगर बंद चीज़ें लोग खाएंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और सुधा ब्रांड 41 वर्षों से बिहार में रन कर रहा है और बिहार का अपना ब्रांड है और नंबर एक ब्रांड है। इसकी शुद्धता और गुणवत्ता से काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी विश्वसनीय है, ये लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है। और ये और भी विशेष ये पार्लर है क्योंकि बगल में हमारा ये भारतवर्ष का अंतर्राष्ट्रीय भारतवर्ष का ये अंतिम प्लेटफॉर्म स्टेशन है और इसके बगल में 3 किलोमीटर पे नेपाल का बॉर्डर है और नेपाल के भी यात्री यहाँ पे एक दो ट्रेन चलती है आते हैं और यहाँ से भी यात्री नेपाल जाते हैं। क्या क्या अवेलेबल होगा यहाँ? तो यहाँ पे अवेलेबल है दूध है, दही है, छाछ है, लस्सी है, पेड़ा है, कलाकंद है, सुरभि सुधा स्पेशल है, चमचम है, गुल्ला है और एक आप प्रोडक्ट का नाम थोड़ा भूल रहे हैं और सोम पापड़ी है। ये करीब हमारे 15-20 आइटम हमेशा इस पे उपलब्ध रहेंगे और हम ये चाहेंगे यहाँ के यात्रियों को ये मेरा संदेश हम देना चाहेंगे कि नेपाल से जो लोग आए और जो भारतवर्ष के किसी भी कोने से, बगल में स्वतंत्रता से सेनानी खड़ी है जो दिल्ली जा रही है, हमारा सुधा का प्रोडक्ट भारतवर्ष के कोने कोने में जाए, क्योंकि यहाँ पे जयनगर में लगभग 28 ट्रेनें चलती हैं और प्रतिदिन 50,000 से ऊपर यात्री यहाँ पे रन करते हैं, चलते हैं। तो अगर हम सुधा का ये प्रोडक्ट सभी जगह पहुँचे तो सुधा बिहार से बाहर भी अपना पांव जमा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों से दूध जो है गुणवत्ता के आधार पर लेते हैं और अपने बिहार के पशु जो बिहार की मिट्टी पे पले बढ़े पशु हैं उनके दूध से हम ये सभी आइटम तैयार करते हैं।
और जो इसे खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर बिक्री बिहारवासी मिथिलावासी और यात्रीगण अगर करते हैं तो हम उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा और समय पे पैसा अपने किसानों को दे पाएंगे। इस व्यापार के रीढ़ हमारे किसान हैं और जो है और मिथिलांचल में खास तौर से दूध दही और रसगुल्ला गुलाब जामुन का खास तौर से प्रचलन है। तो हम ये चाहेंगे कि मतलब पग पग पोखर और माछ मखान के साथ साथ परंपरागत थाली में मिथिला के जो है सुधा का भी व्यंजन हो, यह हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी का भी सपना था और उस सपने को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दही की हमारी काफी पॉपुलर है, दही लोग भोज में हमारा ज्यादा यूज करते हैं और आप जानते भी होंगे कि बिना पत्तल पे दही गिरे भोज शुभ नहीं होता है। तो दही की भी काफी डिमांड है, दूध की भी है और उसके साथ पनीर का भी काफी डिमांड है। तो सभी से हमारा ये यात्रियों से और यहाँ के मिथिलांचल वासियों से मैथिली से हम मैथिली हमको नहीं आता लेकिन फिर भी सब गोटा के यही कहेंगे कि यहाँ सब सुधा के शुद्ध उत्पाद से जुड़े और इसका आनंद लें और सुधा को आगे बढ़ाएं और जयनगर के रेलवे प्रशासन के द्वारा और यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा और पार्लर के संचालक के द्वारा और यात्रियों के द्वारा और मीडिया के द्वारा मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ। काउंटर तो जयनगर में स्टेशन पर खुला है, मार्केट में तो काउंटर था लेकिन स्टेशन पर खुलने से आपको जो है सो यातायात के दौरान जो भी यात्री यात्रा करेंगे इंडिया के किसी भी कोना में जाएंगे यहाँ से सुधा का शुद्ध सामान लेकर के वो यात्रा करेंगे। यात्रा के दौरान बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसा रास्ता में मिलता है जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। ये सुधा का प्रोडक्ट ले जाने से इसकी शुद्धता की पहचान गवर्नमेंट मोहर मार के दिया हुआ है, इसीलिए उस प्रोडक्ट से यात्री को भी सुविधा होगी। और बगल में नेपाल है, नेपाल का स्टेशन से यहाँ गाड़ी खुलती है, नेपाल के यात्री भी आएंगे तो वह प्रोडक्ट लेकर के नेपाल तक जाएंगे। और यहाँ पर जितने रेलवे के कर्मी हैं वो सारे कर्मी यहाँ पर रहते हैं, उनको भी सुधा का कौन जो आइटम है वो आराम से उसको मिल जाएगी। अच्छे दीजिएगा धर्मेंद्र यादव। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।